गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डू नाइन्थ क्वेश्चन। इफ ए इज इक्वल टू 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, बी इज फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स ऑफ 4, सी इज इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 16, एंड डी इज फर्स्ट फोर मल्टीपल्स ऑफ 5। फाइंड ए माइनस बी। कल हमने डिस्कस किया था ए माइनस बी मीन्स ए में से बी के एलिमेंट्स हटा देंगे। तो ए में जो भी बी एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट हैं उनको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट 12 को छोड़कर कोई और ऐसा एलिमेंट नहीं है जो यहाँ प्रेजेंट है। सो ए माइनस बी विल बी A minus B is three, six, nine, 12 हट जाएगा, 15, 18, 21। सेकेंड पार्ट A minus C, सो ए में से सी के एलिमेंट्स जो हैं वो हटा देंगे और बाकी एलिमेंट्स ए के लिखेंगे। तो 3 लिख है, देन 6 क्योंकि यहाँ प्रेजेंट है, देन 9, 12 यहाँ प्रेजेंट है इसलिए ए माइनस सी में से 12 हट जाएगा, देन 15, 18 रहेगा एंड देन 21। थर्ड ए माइनस डी। ए माइनस डी मीन्स ए में से डी के एलिमेंट्स रिमूव कर दीजिए। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो डी में प्रेजेंट है? केवल 15 है जो डी में प्रेजेंट है, तो 15 रिमूव कर देंगे और बाकी एलिमेंट्स यहाँ लिखेंगे हम 3, 6, 9, 12, 18 एंड 21। सिमिलरली सी माइनस ए, दिस इज फिफ्थ पार्ट। सी माइनस ए, सी में से ए के एलिमेंट्स हटा दीजिए। तो 2 देखिए यहाँ नहीं है, इसका ना 2 रहेगा, 4 रहेगा क्योंकि इसमें सी ए में नहीं है, 6 हट जाएगा क्योंकि ए में भी प्रेजेंट है, तो सी जो भी एलिमेंट्स ए के हैं वो हट जाएंगे, 8 रहेगा, देन 10, 12 हट जाएगा, 12, देन 14 ए में प्रेजेंट नहीं है तो 14 भी लिखा जाएगा, 16 भी प्रेजेंट नहीं है ए में तो 16 भी आएगा। इसी तरह से हम एक दो पार्ट्स और ले लेते हैं इसमें से। सपोज सिक्स्थ पार्ट है ये डी माइनस ए। अब यहाँ हमने ऊपर थर्ड पार्ट में ए माइनस डी निकाला था, तो ए में से डी के एलिमेंट्स रिमूव किए थे, अब डी माइनस ए, तो डी में से ए के एलिमेंट्स रिमूव करना है। 5 ए में नहीं है, इसका मतलब 5 आप लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 15 ए में भी है तो 15 हट जाएगा यहाँ से, 20 ए में नहीं है तो इसलिए 20 रहेगा। सो दीज विल बी द एलिमेंट्स ऑफ डी माइनस ए। लाइकवाइज यू हैव टू डू द रिमेनिंग पार्ट्स। नाउ 10th क्वेश्चन इज सेम एज 9th वन, फर्स्ट टू पार्ट्स, एंड थर्ड पार्ट इज इन 10th क्वेश्चन यू हैव टू फाइंड एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स सेट एंड वाई सेट आर गिवन, तो इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट्स, एंड वट आर द कॉमन एलिमेंट्स हियर? इट इज बी एंड डी। So x intersection y will be the set BD. Now 11th question, if R is a set of real numbers and Q is the set of rational numbers, then what is R minus Q? मतलब reals में से rational minus कर देंगे तो क्या होगा? Irrationals बचेगा, क्योंकि real numbers set of rationals and irrationals होता है। So R minus Q will be सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स।
state whether the following statement is true or false. First part, in this set we have 2 to 5 elements and in other set we have only 3 and 6. We have to check whether they are disjoint sets or not. Disjoint means जिसमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो. यहाँ पर 3 कॉमन है, मीन्स दोनों का इंटरसेक्शन 5 नहीं है, इसलिए ये disjoint नहीं होंगे. सो दिस इज फॉल्स. सो 12th फर्स्ट पार्ट, इंटरसेक्शन ऑफ 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 इज इक्वल टू 3, दैट इज नॉट इक्वल टू 5. सो दे आर नॉट disjoint. It means given statement is false. Second, again we have A is as their intersection. So again its second part is false, because it is also false because their intersection is E, which is not equal to 5. Which is not equal to 5. Third, in third part, the intersection is 5, so they are disjoint. So it is true because their intersection is equal to 5. Third, last one, 2, 6, 10 and 3, 7, 11. Again, their intersection is 5, so they are also disjoint sets. So this is also true because their intersection is equal to 5. That's all for today. Now complete this exercise. Thank you.